press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. पोलिंग एजेंट्स के ऊपर उसकी पूरी जानकारियां विस्तृत रूप से कमीशन के सामने रखी और कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रीपोल की जो हमारी डिमांड सातवें चरण के लिए और पहले भी अलग अलग चरणों पे जो वायलेंस हुआ उसकी जो डिमांड है उसको पुनः एक बार कमीशन के समक्ष रखा, उसकी एक पूरी लिस्टिंग करके हमने कमीशन से रिक्वेस्ट किया है कि वो इन सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रीपोल अनाउंस करे और जहाँ जहाँ पे कुछ फॉल्स केसेस हमारे कैंडिडेट्स के ऊपर, हमारे इलेक्शन एजेंट्स के ऊपर पश्चिम बंगाल में खास तौर पे इंस्टीट्यूट करे गए हैं उन सब को विड्रॉ किया जाए और जो थ्रेट दिया जा रहा है बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, एजेंट्स को, कैंडिडेट्स को पश्चिम बंगाल में, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन करे। इसके अलावा जो जो पोलिंग स्टेशंस, पोलिंग बूथ्स पे रीपोल मांगा गया है पहले फेज से आखिरी फेज तक, उसको हमने पुनः एक बार दोहराया है, लिस्ट करके दिया है। और जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी बार बार थ्रेट दे रही हैं और डरा धमकाने की कोशिश कर रही हैं पश्चिम बंगाल की जनता को कि वो चुनाव के बाद उनको सबक सिखाएंगी, शी विल डील विद देम आफ्टर द इलेक्शंस, इस सब को मद्देनजर रखते हुए और जिस प्रकार की हिंसा की घटनाएं सातवें चरण तक बार बार हमने देखी, हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे अब से लेके काउंटिंग तक और काउंटिंग के बाद भी शायद राजनीतिक हिंसा होने की संभावना है। जो लोगों ने खुलकर समर्थन किया भारतीय जनता पार्टी को और अन्य पार्टियों को जो टीएमसी के विरोध में खड़ी थी, उस पर शायद हिंसा होने की घटनाएं बढ़ सकती है और इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया है माननीय कमीशन को कि सभी ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम्स पे सेंट्रल फोर्सेस बड़े पैमाने पे तैनात करी जाए और काउंटिंग तक और काउंटिंग के बाद भी जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है तब तक ये फोर्सेस पश्चिम बंगाल में रखी जाएं, जिससे लोगों को वहाँ आश्वस्त किया जा सके कि कोई हिंसा टॉलरेट नहीं कही जाएगी, कोई हिंसा की घटना को अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा काउंटिंग की प्रक्रिया को फ्री एंड फेयर रखने के लिए